हाय शुक्र है गई नहीं थी। लगी तो नहीं? नहीं लगी। तुम ऑफिस में नहीं थे तो मुझे लगा कि शायद तुम जा चुके हो यहां से। मुझे भी लगा था कि तुम चली गई होगी। हाँ लेकिन देखो किस्मत। ये किस्मत भी ना। क्या मैंने ये कहा ये किस्मत? अभी जनरेटर चल जाएगा तो लिफ्ट भी चल जाएगी साथ में, फिक्र मत करो। जितना दूर रहने की कोशिश कर लो फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? कुछ नहीं, ऐसे ही। बस सोच रहा था कि लिफ्ट चल जानी चाहिए थी अब तक तो। बाहर से झांकना अच्छी बात नहीं होती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब अगर मैं तुम्हें फिर से झूठी कहूंगा तो सच में हंसी आ जाएगी मुझे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम कभी भी तंज करने का मौका नहीं छोड़ते हो। कसम से हद होती है। मैं ना हूं तो इस कंपनी का सारा निजाम बिगड़ जाए। मेरी बात सुनो सिंगुल, प्लीज जरा किसी को कॉल करके कह दो आके लिफ्ट तो सही कर दे। सच में अगर इन चीजों का ख्याल हम लोग ना रखें तो सब कुछ तबाह हो जाए। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम। जरा कॉल करो। क्यों हंस रहे हो? ना हंसू? हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। है तो क्या है बताओ, मुझे भी तो हंसना है। सोचा था एक दूसरे से दूर रहेंगे। अच्छा तो तुम इसलिए हंस रहे हो। अरे इतनी दूर तो खड़ी हूं मैं तुमसे। तुमने अपने आप पे से थोड़ा सा भी काबू खोया तो मेरे करीब आ जाओगे तुम। साफ नजर आ रहा है तुम खुद को कितना रोक रही हो। अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत होती मेरे पास आने की तो तुम भी खुद को नहीं रोकते। तुम्हें भी ऐसे देख के मजा आ रहा है मुझे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दफा मैं कुछ सोच लूं तो फिर मैं वो करके ही दम लेता हूं। मैं जानती हूं
मेहरबानी करके जरा ये लिफ्ट जल्दी ठीक करने की कोशिश करें, देर नहीं होनी चाहिए। लोग सुबह से सीढ़ियां इस्तेमाल कर करके तंग आ चुके हैं बिल्कुल। आप फिक्र ना करें मैडम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सच कहूं तो ये मसला मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, सिस्टम तो इसे बिल्कुल ठीक बता रहा है। ठीक है, जो भी है आप बस ठीक करने पे ध्यान दें, ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके जरा जल्दी कर दें। हाँ हाँ करता हूँ। थक गई क्या? थोड़ा सा। मुझे तो कोई और ही मसाला लग रहा है। हाँ लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। पता तो चल गया होगा, ठीक कर रहे होंगे। उन्हें ना पता चला तो सुबह तक हमें यहीं बैठना पड़ेगा। तुम्हें जाना है क्या? तुम्हें नहीं जाना। उसे क्या कहते हैं जब आपको बाहर भी जाना और अंदर भी रहना? याले नॉट डेफ नहीं कहूंगी उसे। सोंगल, यालन सर, चले जाओ यहां से। ठीक है, चलते हैं, आ जाए।